ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफर जारी है। इसका कहने का मतलब ये है कि हौसला हमारे पास बहुत है, लेकिन हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, हमें सही डायरेक्शन की आवश्यकता है और हमें रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से बहुत बहुत ढेर सारा अभिनंदन, बहुत ढेर सारा स्वागत। मैं अभिनव द्विवेदी, निवर्तमान कला संकाय प्रतिनिधि छात्र संघ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से आपके बीच में एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो एग्जाम का, जो एंट्रेंस का जो पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ब्रोशर्स में जो बीए, बीएससी, बीकॉम सारे विश्व जो सारे छात्र हैं एकदम कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज्ड का मतलब उसमें लिखा गया है कि डोमेन सब्जेक्ट में नीचे लिखा गया है, एक एक सब्जेक्ट वहाँ पे मेंशन किया गया है, तो बहुत कंफ्यूज आप खुद अपने आप में हैं। लेकिन सीधे बात प्रवेश के डायरेक्टर से हुई है, प्रवेश डायरेक्टर से हमारी बात हुई है, आपके जो एंट्रेंस के डायरेक्टर हैं उन्होंने ये कहा कि पूरा पैटर्न मैं आज आपको बताऊंगा, तो जो चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं वो पहले जुड़ जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी और अच्छा रहेगा। बात यह है कि कन्फ्यूजन ये था कि क्या हमको लैंग्वेज का परीक्षा देनी पड़ेगी, क्या हमको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, क्या हमको डोमेन अटेंड करना पड़ेगा। तो हाँ, अटेंड करना पड़ेगा आपको, तीनों पोर्शन आपको अटेंड करना पड़ेगा। आपको लैंग्वेज के भी सवाल अटेंड करने पड़ेंगे, आपको डोमेन के भी सब्जेक्ट के सवाल अटेंड करने पड़ेंगे और आपको जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। सारे विश्वविद्यालय की जैसी प्रक्रिया है, वैसे भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की थोड़ी सी प्रक्रिया अलग हटके है। तो जो भी छात्र हैं जो कन्फ्यूज हो रहे हैं कि क्या हम किस क्या क्या अटेंड करें, क्या 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 अटेंड करना पड़ेगा, तो आपको तीनों पोर्शन अटेंड करना पड़ेगा। यानी कि आपको लैंग्वेज के 40 सवाल अटेंड करने पड़ेंगे, डोमेन के 40 सवाल अटेंड करने पड़ेंगे और 60 सवाल आपको जनरल टेस्ट के अटेंड करने पड़ेंगे। ये सभी के लिए कॉमन की बात है। यानी कि जो बीए के छात्र हैं, अब ध्यान से सुनिए, आपके लिए जो बीए के छात्र हैं, बीए के छात्र छात्राओं के लिए सबसे बड़ी सूचना ये है कि मान लीजिए कि आप जब फॉर्म को भरते हैं तो फॉर्म को भरते टाइम आपने लैंग्वेज चूज किया होगा, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, आप दो ही चूज करते हैं, बहुत सारे छात्र उर्दू भी चूज करते हैं, 13 लैंग्वेजेस पहली 1A में दिया गया है, तो उसमें आपको लैंग्वेज के 40 सवाल आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जब आप सेकंड पे आते हैं तो आप डोमेन भी चूज किए होंगे, मिनिमम 2 डोमेन, मैक्सिमम 6 डोमेन आप चूज अलग अलग यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया से चूज किए होंगे। अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो डोमेन के भी सब्जेक्ट को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने हिस्ट्री चूज किया, आपने ज्योग्राफी चूज किया, आपने पॉलिटी चूज किया, तो उसके सब्जेक्ट के सवाल को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और आखिरी में जनरल टेस्ट आता है, जो कि आपके एग्जाम की सबसे बड़ा फैक्टर जनरल टेस्ट करेगा। यानी कि आपको 60 सवाल जनरल टेस्ट के भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तो टोटल आपको 140 सवाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस में अटेम्प्ट करना है। ये सारे लोगों के लिए बहुत आवश्यक सूचना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना पालिए। आपको तीनों पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको जनरल टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको डोमेन के सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी और आपको लैंग्वेज की भी तैयारी करनी पड़ेगी। ये सूचना आपके लिए बहुत आवश्यक थी, क्योंकि जरूरत ये थी यहाँ पे कि बहुत सारे छात्र डोमेन्स के जो ब्रोशर्स है उसको देखने के बाद बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। तो कंफ्यूजन ना पालिए, क्योंकि आपको लैंग्वेज की भी सवाल अटेम्प्ट करना है, 40 सवाल आपको डोमेन्स के भी अटेम्प्ट करना है, जनरल टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। टोटल आपको 600 नंबर में आपकी मार्किंग होगी, जो एक अलग प्रोसेस है, क्योंकि अभी 40 जो दूसरा लैंग्वेज है उसको आपको नहीं कहा गया है। लेकिन ये है कि आपको तीनों पोर्शन यानी लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट आपको तीनों के तीनों कवर करने हैं, तो आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ये आपको बहुत जानना आवश्यक था कि पेपर का पैटर्न, अब हम युद्ध करने जा रहे हैं, मैदान का पता ही नहीं है, कैसे लड़ना है कैसे नहीं लड़ना, कोई जानकारी है ही नहीं, हम इतना कमजोर पहले से हैं, तो हम क्या कर पाएंगे, हम लड़ ही नहीं पाएंगे। जाना होगा हमको पानीपत के मैदान में चले जाएंगे, खानवा के युद्ध में हम चले जाएंगे, क्या होगा बताइए, अब तो वैसे ही हार जाएंगे, तो हारिए ना। और हाँ, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत इंफॉर्मेशन की जो होल लगी हुई है, आप कंफ्यूजन मत पालिए, आप सीधे हमसे संवाद करिए, हमारे इंस्टाग्राम के लिंक है, हमारे टेलीग्राम के लिंक है और हमारा नंबर भी आप लोग कहीं कहीं ढूंढते ढूंढते पा ही जाते हैं, इस हिसाब से आप सर्च करते रहते हैं, तो हमसे जुड़िए, लगातार हम आपको सूचना ऐसे देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तीन पोर्शन अटेंड करना है, सीयूईटी एक बार अच्छी तरीके से आप उसका अध्ययन कर लीजिए, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन्स को आपको कवर करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना पालिए इसमें। डोमेन के सब्जेक्ट को आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, इसके पहले की वीडियो मैंने बताया है, लेकिन आपको तीनों पोर्शन अटेंड करना है, ऐसे छुट्टी नहीं मिलने वाली है कि एक छोड़ दें, दो छोड़ दें, तीनों पढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।